यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे सोल्ड कलर, उसके बाद व्हाट्सअप लाइब्रेरी डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आपको अगर अपना फोटोस लगाना है, अगर कोई कलर लगाना है तो यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइनली बहुत सारा इस पे कलर है, तो इसमें से आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए जैसा ये ओपन किया तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे दिख रहा है, सादा सादा कलर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको कलर लगा कर फर्स्ट पहले दिखा देता हूँ। तो आपको चलना है सेटिंग में, चल उसके बाद आपको चैट में जाना है, उसके बाद वॉलपेपर पे क्लिक करना है, आपको कलर कोई सेट करना है तो आपको देखिए यहाँ पे जो कलर आपको पसंद है। तो मैंने फाइनली यहाँ पे ये वाली कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाली कलर सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कलर पे सेलेक्ट करना है और सेट कर देना है। तो यहाँ पे फाइनली वहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ऐसा कलर, यहाँ पे देखिए हो गया जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये, तो इस तरह यहाँ पे एक कलर हो गया। आपको यहाँ पे अगर अपना फोटो लगाना है तो आप कैसे यहाँ पे फोटो लगाएंगे, तो चलिए फिर इसी तरह आपको बैक आना है। यहाँ पे आपको ऊपर में थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे सेटिंग खुलेगा, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग वाले पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ सेटिंग वाले पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे फिर चैट वाले में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर पे जाना है, उसके बाद यहाँ गैलरी वाले पेज जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अपना अगर फोटो लेना है, फोटो सेट करना है तो यहाँ फाइनली इस वाले गैलरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा ये गैलरी, तो गैलरी वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मेरा यहाँ पे फोटोस खुल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे जिस फोल्डर जो भी आपका फोटोस यहाँ पे सेव करना है उसमें लगाना है, होम स्क्रीन बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड होम स्क्रीन पे, व्हाट्सएप पे, तो आपको फोटो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो चलिए मैं कोई सा भी फोटो आपको यहाँ पे फाइनली यहाँ पे चूज करके लगा कर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे फोटो सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको यहाँ पे खुलेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे जूम आउट इन करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जूम करके अगर फोटो सेट करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे फोटो पे अगर दो उंगली से इसको इस तरफ ऐसे खींचेंगे, एक उंगली इस तरफ एक उंगली इस तरफ करके तो जैसे तो उस तरह ये फोटो जूम होगा। तो अगर जूम करके सेव करना है तो इतना पर जूम करके भी सेव कर सकते हैं, जितना पे आपको सेलेक्ट करके सेव करना है उतना पे करके सेव कर सकते हैं, या तो आपको इतना पे अगर अच्छा लगता है पूरे फूल में तो उस तरह आप सेव करना चाहते हैं उस तरह करके। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पे सेट पे सेट का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे सेट वाले ऑप्शन पे मारेंगे तो देखिए मेरा यहाँ पे फोटो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फोटो सेव होगा कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ फाइनली यहाँ पे अपना फोटो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो इस तरह आप अपना फोटो सेव कर सकते हैं किसी भी व्हाट्सएप में कहीं पे भी, इस तरह आपको इसी तरह व्हाट्सएप में अपना कोई भी फोटो या कोई कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यही था वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।